क्योंकि ये हाईली ब्रांच सिस्टम है ना ठीक है तो इसके अंदर बहुत सारी डक्ट्स हैं उन डक्ट्स की आगे से हम तीन टाइप्स को पहले डिस्कस करेंगे ठीक है तो जो पहली टाइप है डक्ट uh, की वो है डक्ट इंटरकिलेटेडकन इज द स्ट्रेटेड डक्ट एंड फाइनली इज द एक्सक्रीटरी डक्ट ठीक है ये हैं थ्री टाइप्स ऑफ डक्ट्स ठीक है जो इंटेक्टेड और स्रिएटेड डक्ट है ना ये मिलकर हमारे पास इंट्रॉलोब्यूलर डक्ट बनाती है और ये इंट्रॉलोब्यूलर डक्ट एक्सक्रीटरी डक्ट बनाने में पार्टिसिपेट करती है इस इंट्रालोब्यूलर डक्ट के अलावा हमारे पास दो और डक्ट्स होती हैं जो हमारे पास एक्सक्रीटरी डक्ट बनाती है उसमें एक है हमारे पास इंटरलोब्यूलर डक्ट और दूसरी है मेन डक्ट ठीक है तो हम इंडिविजुअली इन सबको देखते हैं ठीक है जो हमारे पास इंटरकलेटेड डक्ट्स हैं यानी पहली टाइप जो है डगट्स की उनकी एपिथीलियम होती है सिंपल क्यूबॉयडल एपिथीलियम ठीक है जो हमारे पास स्ट्रिएटेड डक्स हैं उनकी एपिथीलियम होती है लो कॉलम एपिथेलियम और मैंने आपको बताया ये दोनों मिलकर हमारे पास इंट्रालोब्युलर डक्ट बनाएंगी और जो थर्ड टाइप की हमारे पास डक्ट है दैट इज एक्सक्रीटरी डक्ट उसमें यह इंट्रालोबुलर डक्ट्स होती हैं इसके अलावा इंटरलोब्युलर डक्ट होती है, होती है और मेन डक्ट्स होती हैं ठीक है अब एक्सक्रीटरी डक्स में जो हमारे पास मेन डक्ट्स होती है ना इनको हम देखते हैं मेन डक्स में आपको जो एपिथीलियम वैसे तो नजर आएगी वो होगी स्टर्टिफाइड कोलम न एपिथीलियम ठीक है लेकिन होता क्या है कि ओरल कैविटी की ओपनिंग के करीब ये स्टर्टीफाइड कोलम न एपिथीलियम चेंज हो जाती है इनटू स्ट्रेटिफाइड स्कूम नॉन कैरेम ठीक है तो अभी तक हमने सारी डक्ट्स सीखी जो कि हमारे पास हाईली ब्रांच डक्टल सिस्टम ऑफ स्लाइवर ग्लैंड्स बनाती हैं ठीक है थीके? अब हम ग्लैंड्स की टाइप्स देखते हैं कि स्लाइवर ग्लैंड्स खुद कितने टाइप्स की होती हैं ठीक है थीके? तो स्लाइवर ग्लैंड्स हमारे पास बेसिकली थ्री टाइप्स की होती हैं एक है पैराटेड दूसरा है सब मैंडेबुलर और तीसरी है सब लेंगुअल ठीक है जो पैरटेड है दैट इज सीरियस इन नेचर जो सब लेंगुअल है दैट इज म्यूकस इन नेचर और जब जो सब मैंडेबलर है वो मिक्सड है यानी वो सीरियस भी है और म्यूकस भी है ठीक है तो यहाँ तक हमने डिटेल में स्लाइवी ग्लैंड की हिस्टोलॉजी देख ली अब हम पेंक्रियास की हिस्टोलॉजी देखेंगे ठीक है जो पैंक्रियास हैं बेसिकली इसमें आपको एक्जोक्राइन पोर्शन भी नज़र आएगा और एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियास भी नज़र आएगा ठीक है मेजर पोर्शन जो है पैंक्रियास का वो एक्जोक्राइन नेचर होता है ठीक है लेकिन एंडोक्राइन पोर्शन जो है उसमें आपको बहुत सारे आइलैंड आइलैंड ऑफ लैगरहैंड नज़र आएंगे यानी बहुत सारे आइलैंड ऑफ एंडोक्राइन सेल्स नजर आएंगे पूरे पेंक्रियास में ठीक है यानी आपको ना एंडोक्राइन क्योंकि जो पोर्शन हो गया ना का उसके अंदर एंडोक्राइन सेल्स हैं तो वो मुख्तलिफ सिक्रीशन भी सिक्रीट करेंगे वो भी हम देखेंगे ठीक है तो पहले तो हम मुख्तलिफ एंडोक्राइन सेल्स देख लेते हैं जो आपको एंडोक्राइन पोर्शन में नजर आएंगे नाइलेट्स ऑफ लैग्रह ठीक है एक होते हैं सीरस सेल्स उसके अलावा आपके पास सेंट्रो सेल्स होते हैं उसके अलावा ए सेल्स बी सेल्स और डी सेल्स भी होते हैं इसके अलावा कुछ ग्रान्यूल्स जिन्हें आप इसल एक्ग्जाम ग्रैन्यूल्स कहते हैं वो भी आपको नज़र आएंगे ठीक है जो आपके पास सीरस सेल्स होते हैं ना ये पेंक्रियाटिक एसी में आपको नजर आएंगे ठीक है और जो आपके पास सेंट्रो एसना सेल्स होते हैं ना ये आपको इन पे, पेंक्रियाटिक एसनी की सिक्रीशंस में मौजूद मिलेंगे ठीक है यानी इन पेंक्रियाटिक ऐसी सिक्रीशंस में ये सेंट्रोएसनाज सेल्स होते हैं और पेंक्रियाटिक ऐसी में खुद क्या होती हैं सीरस सेल्स होती हैं ठीक है ठीके? अच्छा ये जो सेंट्रोएसनाज सेल्स जो कि पेंक्रियाटिक्रेशन में होती है ना ये लो क्यूबॉइडल एपिथीलियल सेल्स होती हैं बेसिकली ठीक है अब इसके अलावा तीन टाइप्स के सेल्स होते हैं ए सेल्स बी सेल्स डी सेल्स जो ए सेल्स हैं वो ग्लूकोन से करते हैं बी सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करेंगे और जो डी सेल्स हैं वो सोमेटोस्टेजन सिक्रीट करेंगे ठीक है इन सेल्स के अलावा इन इनसिक्रिटी जो इन सिक्रिटरी सेल्स हैं इनके अलावा यानी एंडोक्राइन सेल्स के अलावा मैंने आपको एक ग्रैन्यूल बताया था दैट वाज एसिडोफिल एक्जोजन ग्रैन्यूल ठीक है ये जो एसिडोफिल एक्जाइमोजन ग्रैन्यूल है ये आपको पेंक्रियाज के एपिकल रीजन में नजर आएगा ठीक है सो है वे आर डन विद हिस्टोलॉजी ऑफ पैंक्रियास मूविंग ऑन टूवर्ड्स द लिवर और इसकी हिस्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जो लिवर है ना इसको कवर किया होता है एक थिन कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल ने जिसे आप ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं ठीक है और जो पेरेंट कामा होता है ना लेवर का ठीक है उसमें आपको बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स नजर तो आएंगे जिन्हें आप हिपैटोसाइड्स कहते हैं ठीक है ये हिपैटोसाइड्स ना बेसिकली अनास्टामोटिक प्लेट्स की फॉर्म में अरेंज नज़र आएंगे आपको लिवर में ठीक है और इन एनास्टोमोटिक प्लेट्स ऑफ हेपेटोसाइट्स के दरमियान ना आपको ब्लड साइनोसोइड्स नजर आएंगे और इन ब्लड साइनोसोइ्स को आपको आप कह देंगे हिपैटिक साइनोसोइड्स ठीक है तो हमारे पास हमने अभी क्या देखा कि एक तो ग्सेंस कैप्सूल है जो कि लिवर का थिन कनेक्टेड टिश्यू कैप्सूल है इसके अलावा हमने देखा कि लिवर के पैरेंट काम में हमें कुछ एपिथीरियल सेल्स नजर आते हैं जितना हम हपैटोसाइड्स कहते हैं और वो अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनास्टोमोटिक प्लेट्स ठीक है और इन प्लेट्स के दरमियान जो ब्लड साइनोसॉइड्स हैं उनको हमने कह दिया कि ये हिपैटिक साइनोसॉइड्स हैं ठीक है अब लिवर के ना तीन लोब्यूल्स होते हैं एक होता है क्लासिकपैेटिक लोब्यूल दूसरा होता है पोटल लोब्यूल और तीसरा होता है हिपैटिक एस ठीक है जो हमारे पास क्लासिकपैेटिक लोब्यूल है ना वो बेसिकली एक उसमें आपको एक लार्ज वेन्यूल नज़र आएगी ठीक है जिसे आप सेंट्रल वेन कहते हैं ठीक है और जो इस क्लासिक हेपेटिक लोब्यूल के एंगल्स होंगे ना वहाँ पे आपको ट्रायंगुलर एरियाज नज़र आएंगे जिन्हें आप पोर्टल एरियाज़ कहेंगे ठीक है और इसके अलावा आपको हेपेटिक लोब्यूल में क्या नज़र आएगा बाइकनेलिकुलज नजर आएंगे ठीक है यानी यहाँ से ये वो चैनल्स हैं जहाँ से बाइल गुजरती है ठीक है तो ये हमने जो क्लासिक क्लासिकपेटिक लोब्यूल है उसके फीचर्स को डिस्कस किया था वैसे हमने देखा कि थ्री टाइप्स ऑफ लोब्यूल्स होती हैं लिवर में क्लासिक क्लासिकपेटिक लोब्यूल पोर्टल लोब्यूल और हिपैटिक एसन ठीक है तो अब हमने लोब्यूल्स भी देख लिए हैं लिवर के अब हम देखेंगे ये जो हिपैटोसाइट्स जो कि एपिथिलियल सेल्स आपको नजर आते हैं लिवर के पेरेंट कैमर में ये हिपेटोसाइट्स जो हैं इनके हम फीचर्स को डिस्कस करेंगे ये एस ये एस क्यू भी आ सकता है दैट गिव द फीचर्स ऑफ हिपेटोसाइट्स ठीक है तो वो फीचर्स uh, हम डिस्कस करने लगे हैं ठीक है थीके? जो हिपैटोसाइट्स है ना ये बेसिकली uh, कौन से सेल्स होते हैं ये पोलिगोनल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं यानी इनकी सिक्स या सिक्स से ज़्यादा सर्विसज होती हैं ठीक है क्लोजली प्लैक यानी ये क्लोजली पैक्ड होते हैं ठीक है थीके? और ये अरेंज होते हैं एज अनास्टेमोटिक प्लेट्स ठीक है क्लोजली पैक्ड होती हैं एंड दे आर अरेंजड एज एनास्टामोटिक प्लेट्स ठीक है मैंने आपको बताया था कि ये एनास्टोमेटिक प्लेट्स के फॉर्म में अरेंज होती हैं और इनके इर्द गिर्द आपको सेंट्रल वेंस जो है ना रेडियली अरेंज नज़र आएंगी ठीक है और इनके अंदर सिंगल स्फेरिकल न्यूक्लियस होती है और वही ऑर्गेनाइज होंगी लाइक गोल्जी ऑफ थ्रेटर्स एंड माइथेकॉन्ड्रिया ठीक है इसके अलावा बाइल किनाक्यूलर्स होंगे वो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वो चैनल्स हैं जिनके अंदर से, से बाइल गुजरेगी ठीक है इसके अलावा हिपेटोसाइड जो है वो सेपरेटेड होती है फ्रॉम द हिपेटिक साइनोसोइड ठीक है बाय अ नैरो स्पेस उस स्पेस के अंदर आपको टाइप थ्री कॉलेजन नजर आएगी ठीक है और इस स्पेस को हम नाम देंगे पेरी पेरीसाइनोसोइडल स्पेस या फिर स्पेस ऑफ डिसी ठीक है जो पेरीसाइनासोडल स्पेस या स्पेस ऑफ डिसी है इसमें आपको कुछ स्टार स्टारशेफ सेल्स नजर आएंगे जिन्हें हम हिपैटिकटेलाइट सेल्स कहेंगे या फिर आप इसे ईटो सेल्स भी कह सकते हैं आई टी ओ ईटो सेल्स ठीक है जो हिपैथिक साइनासोइड्स होती हैं ना ठीक है यानी हिपैटिक्स हिपैथोसाइड्स और हिपैटो हिपैथिक साइनासोइड्स के दरमियान जो वॉल थी ठीक है उसमें जो एक नैरो स्पेस बेसिकली जो थी वो एक बॉल के तौर पे एक्ट कर रही थी ठीक है उन दोनों को सेपरेट कर रही थी उसमें टाइप थ्री कॉलोजन था उसे हमने कह दिया था कि ये पेरी पेरीसाइनोसोडल स्पेस है और या फिर स्पेस ऑफ डिसी है ठीक है और जो इस स्पेस के अंदर स्टारशेप सेल्स थी उन्हें हमने हेपेटिक सेटेलाइट सेल्स कह दिया या ईटो सेल्स कह दिया ठीक है ये साइनोसोल्ड जो कि हेपेटिस साइड से सेपरेटेड है बाय दिस पेरी पेरीसाइनोसोडल स्पेस इसमें भी कुछ सेल्स होते हैं और वो टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं एक है एंडोथीलियल सेल्स और दूसरे हैं कप्फर सेल्स ठीक है सो हेयर वी आर डन विद द हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर एंड वी हैव कम्प्लीटेड द हिस्टोलॉजी ऑफ थ्री थिंग्स नंबर वन इज़ स्लाई विद एंड वी सो द हिस्टॉलॉजी ऑफ फैंक्रियास एंड फाइनली वी हैव स्टडी द हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर एज वेल सो थैंक्स फॉर वॉचिंग